बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर इहतमाम किया गया है। जो भी हवातीनों हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनका नाम लेकर उनके लिए दुआ की जाएगी। व्यूअर्स, आज मैं आपको ईदुल अज़हा के दिन नया सूट पहनने पर यानी नया लिबास पहनने पर एक बहुत आसान सा अमल बताना चाहती हूँ। ये बहुत आसान और मुख्तसर अमल है लेकिन इसके कमालात बहुत ज़्यादा हैं। इसके करने से आपके ऊपर जो भी आफात आनी है वो सब टल जाएंगी, आप तमाम तर हादसात से महफूज रहेंगे, नज़रे बद से महफूज रहेंगे, आपकी ज़िंदगी की नाकामियां आपकी कामयाबियों में बदल जाएंगी और आपकी मायूसियां ख़त्म हो जाएंगी। आपकी नाकामियां कामयाबियों में ऐसे बदलेंगी कि आप हैरान रह जाएंगे, आपके गम खुशियों में बदल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने करना ये है कि ईदुल अज़हा के दिन जब आप नया सूट पहने, मैं आपको ये भी वजाहत कर दूं कि ज़रूरी नहीं कि सूट नया ही हो, कोई भी अच्छा लिबास और साफ़ सुथरा लिबास ईद के दिन पहना जा सकता है। और ईद के अलावा भी आप जब भी नया लिबास पहने, चाहे वो सूट हो, चाहे वो सर पर नई टोपी हो, चाहे वो नए मोज़े हो, नई बुनियान हो, ये अमल आप उस पर कर सकते हैं। और ये अमल मर्द और औरत दोनों के लिए है। जौन सा भी आप लिबास पहने अपने तन पर, तो आप सबसे पहला कलमा तैयब यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़रूर एक बार पढ़ लें। एक बार कलमा तैयबा पढ़ने से आपको वो खुशियाँ मिलेंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। और जब तक वो लिबास आपके जिस्म पर रहेगा आपको अल्लाह ताला खुशियाँ ही अता फरमाता रहेगा और आपसे गम और परेशानियाँ और दुख दूर रहेंगे। आप घर में छोटे बच्चों को भी जब नया लिबास पहनाएं तो उनको भी कहें कि वो एक बार पहला कलमा तैयब पढ़ लें। सबसे पहली बात तो ये है कि कलमा तैयबा आपने सही पढ़ना है। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत से लोग मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, ये गलत है। अज़ान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आता है लेकिन जब आपने कलमा पढ़ना है तो आपने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है। और ऐसे छोटे बच्चे जो अभी नहीं बोलना जानते तो उनकी तरफ से आप ख़ुद उनको नया लिबास पहनाते हुए पहला कलमा पढ़ लें तो ये उनकी तरफ से ही हो जाएगा। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।